अरे कहाँ है भैया, कॉपी किताब लेके बैठ जाइए। आज इस वीडियो में जानते हैं किसके बारे में हम लोग बात करेंगे, संख्याएं के बारे में। और संख्याएं में मैं आपको बताऊंगा कुछ ट्रिक, कुछ फॉर्मूला, और उस फॉर्मूला से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व भी करूंगा। और कैसे करूंगा वो आप देखिए, क्वेश्चन को देखिए। पहला क्वेश्चन ये होगा कि लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन अपॉन में टू। ये फॉर्मूला होता है लगातार n तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए। अब जैसे कहने का मतलब ये है, आपको मैं दे दूं वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन प्लस एट प्लस नाइन प्लस टेन, और आपको मैं कह दूं कि भैया इसे जरा जोड़ के बता दो, मैथ्स का क्वेश्चन है, जोड़िए तो सबको। टू और वन थ्री, थ्री थ्री और सिक्स, सिक्स सिक्स टू वन थ्री, थ्री में फिर थ्री ऐड कीजिए सिक्स होगा, सिक्स में फोर ऐड कीजिए टेन होगा, टेन में फाइव ऐड कीजिए फिफ्टीन होगा, फिफ्टीन में सिक्स ऐड कीजिए ट्वेंटी वन होगा, ट्वेंटी वन में सेवन ऐड कीजिए, 21 में 7 ऐड कीजिएगा तो कितना होगा 28, 28 में 8 ऐड कीजिएगा 36, 36 में फिर 9 ऐड कर दीजिए, 36 में 9 ऐड कीजिए तो जरा कितना होगा 36 में हो गया 40, 45, 45 में फिर 10 ऐड कर दीजिए 55, क्या होगा 10 में ऐड कर दीजिएगा तो 55। अब इतना तो आप ऐड कर दिए, तो ये तो छोटा छोटा नंबर था तो ऐड कर दिए, लेकिन इसके लिए फॉर्मूला बना है। क्या बना है? फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला क्या है भाई? एन इंटू एन प्लस वन अपॉन में टू। ध्यान दीजिएगा, एन टोटल कितना नंबर है? टेन। तो एन के जगह पे आपको रख देना है टेन, फिर यहां भी एक एन है तो यहां भी टेन रख दीजिए, प्लस तो प्लस, वन तो वन, इसके नीचे क्या कर दीजिएगा टू लगा दीजिए। अब ध्यान दीजिए, टेन और वन हो गया इलेवन, टेन और वन हो गया इलेवन, और ये टेन, तो टेन इंटू इलेवन बट्टा टू, और ये हो गया टू फाइव जा टेन, फाइव को इलेवन से गुना कर दीजिए 55। हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अच्छा है, छोटे छोटे बच्चों को नवोदय एग्जाम देना है उनके लिए भी अच्छा है। समझ में आया ना? तो ये थोड़ा कॉम्पिटेटिव मैथ था, तो प्लीज इसे कहीं नोट कर लीजिए।